हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजय। एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑल इमित्र सॉल्यूशन पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जन सूचना ऐप के बारे में। मैं आपको बता दूं कि एक नया ऐप जो राजस्थान सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, उस ऐप के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ये ऐप जन सूचना ऐप के नाम से आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। ये इसका मैं डायरेक्टली लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि इस ऐप के अंदर क्या क्या है, क्या क्या आपको इस ऐप से फ़ायदा मिलने वाला है, और इस ऐप के ख़ास फीचरों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल बटन पर क्लिक कर लेना है, और साथ ही आपको वीडियो को लाइक कर देना है। वीडियो को लाइक करने के बाद इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, और अपने परिवार रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर कर देना है, क्योंकि यह जन सूचना ऐप है जो सभी आम नागरिकों के लिए भी बहुत खास ऐप बना है। इसमें आप कई तरह की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप मेरी मोबाइल की स्क्रीन देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको जन सूचना ऐप दिख रहा होगा। जैसे ही हम यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं, तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। अब बात आती है कि यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पर महात्मा गांधी नरेगा श्रमिक जानकारी आप ले सकते हैं, राजस्थान किसान कर्ज माफी योजना 2019 की भी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर खनन और DMFT यानी कि माइनिंग डिपार्टमेंट से संबंधित जानकारी भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री निःशुल्क दवाई एवं जांच योजना की पूरी आप जानकारी ले सकते हैं, और यहाँ पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली राशन कार्ड की भी आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। राशन कार्ड डिपार्टमेंट में आपका राशन कार्ड का वितरण, आपके खाद्य सामग्री कितनी आ गई है, आपके डीलर के पास कितना स्टॉक है, आपका कितना राशन बकाया चल रहा है, यानी कि पूरी आपको यहाँ पर जानकारी मिलने वाली है। तो हम एक एक करके सभी ऑप्शनों का यूज करते हैं और जानते हैं क्या इनके अंदर क्या चीज़ है, क्या क्या इनके अंदर ऑप्शन आते हैं। तो हम एक एक करके सभी ऑप्शनों को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं महात्मा गांधी नरेगा श्रमिक जानकारी की। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको अपना यहाँ पर ज़िला चूज कर लेना है। तो मैं 200 ज़िले से हूँ, तो मैं यहाँ पर 200 ज़िला चूज करता हूँ। आप अपने ज़िले का चयन करें। उसके बाद में आपको यहाँ पर अपनी तहसील यानी ब्लॉक का भी चयन करना है। उसके बाद खोजे पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप खोजे बटन पर क्लिक करोगे, उसके बाद में आपको यहाँ पर ग्राम पंचायत वाइज पूरी लिस्ट मिलने वाली है। लिस्ट मिलते ही आपको अपनी ग्राम पंचायत के अंदर जाना है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो, ग्राम पंचायत अगर बगड़ी की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो कार्य पूर्ण हुआ है वो 0 है, यानी कि अभी तक एक भी कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। जो कार्य चल रहे हैं वो 38 कार्य हैं, और यहाँ पर सक्रिय जॉब कार्ड धारक है जो 687 है, और यहाँ पर जो मस्टोल भरे गए हैं वहाँ पर 102 यहाँ पर दिखा रहा है। तो आप यहाँ पर कार्य पूर्ण रिपोर्ट पर गेट अगर रिपोर्ट करोगे, आपके सामने पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो यहाँ पर कार्य किए गए जो कार्य पूर्ण था वो यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर किसी प्रकार की रिपोर्ट शो नहीं हो रही है। जो कार्य प्रगति पर चल रहे हैं, अगर इस पर आप गेट रिपोर्ट करोगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो स्क्रीन पर आपके आ रहा होगा कि ये कार्य अभी प्रगति पर चल रहा है, प्रगति पर इनका काम चल रहा है अभी। इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो सक्रिय जॉब कार्ड धारक कौन कौन से हैं, यहाँ पर पूरी जानकारी आप देख सकते हैं। यहाँ पर जैसा कि आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर जॉब कार्ड धारकों के नाम भी आ चुके हैं, उनके यहाँ पर जॉब कार्ड संख्या भी आ चुकी है, यहाँ पर उनकी पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अपने ग्राम पंचायत का ही जानकारी ले सकते हैं, आप किसी भी ज़िले की किसी भी ब्लॉक पर जाकर किसी भी ग्राम पंचायत की यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं। यह सबसे बड़ी खास बात है इस ऐप की। इसके बाद में हम ब्रेक आते हैं, और इसके बाद हम जब ब्रेक आते हैं तो हमारे सामने आता है सेकंड नंबर ऑप्शन, राजस्थान किसान कर्ज माफ़ी योजना 2019। तो यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर हमको 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर जो नंबर 1 पर एक यानी कि सबसे ऊपर जो ऑप्शन आ रहा है, स्वयं की किसान कर्ज माफ़ी की सूचना प्राप्त करें। तो यहाँ पर आपको या तो अपना आधार नंबर डालकर या SRDR ID नंबर डालकर या अपने किसान लोन
एप्लीकेशन नंबर कोड डालकर भी आप अपना जो स्टेटस है अपना मोबाइल में मंगवा सकते हैं। इसकी सूचना आप अपन मांगा सकते हैं, अपने अपने अपना आधार नंबर डाल के पूरी की पूरी जानकारी अपने मोबाइल पर मंगा सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी ऐप है। इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड ऑप्शन की, अपने क्षेत्र की किसान कर्ज माफी की सूचना प्राप्त करें। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप स्वयं की ही प्राप्त करें, आप अन्य किसानों की भी यहाँ पे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पर पहले सबसे पहले अगर आप जो भी जिस भी ज़िले से हैं उस ज़िले का चयन करना है, या इससे पहले आपको देखना है कि यहाँ पर कुल लाभार्थी कितने हैं। 19,55,270 यहाँ पर कुल लाभार्थी है, और जो राशि किसान कर्ज माफ में की गई है वो राशि भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। करोड़ों अरबों में यहाँ पर राशि माफ़ की गई है। तो यहाँ पर बेसिकली मैं दोसा से आता हूँ, तो मैं दोसा ही सेलेक्ट करने वाला हूँ। तो जैसा ही मैं यहाँ पर दोसा सेलेक्ट करता हूँ, बैंक का नाम दोसा, तो यहाँ पर अपने ब्लॉक का नाम भी चूज़ करना होता है। चूज़ कर लिया है मैंने। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं वही सेम ग्राम पंचायत वाइज यहाँ पर पैक्स का नाम आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर बगड़ी का देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो, बगड़ी के अंदर जितने भी किसानों का मतलब लोन माफ़ हुआ है, उन सब की यहाँ पर लिस्ट शो हो जाएगी आपके सामने। अपना तो जान ही सकते हैं, इसके अलावा अपने गांव में कितने लोगों का कर्ज माफ़ हुआ है वो भी काफ़ी आसानी से जान सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी अच्छी ऐप साबित होने वाली है ये ईमित धारकों के लिए एवं आम जन के लिए। जैसा कि आप क्रमांक एक पर देख सकते हो, अनोखी देवी के 14,294 छूट की गई है। इसी प्रकार आप अलग अलग व्यक्तियों के भी यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम, थोड़ा ब्रेक आते हैं, इसके बाद बात करते हैं नंबर 3 वाले ऑप्शन की बात। यहाँ पर किसान कर्ज माफ़ी की सोशल ओडी सूचना भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे यहाँ क्लिक करोगे तो आपके पास इसका PACS ID होना ज़रूरी है। अगर आपके पास PACS ID नहीं है तो आप जो अपना कोऑपरेटिव बैंक लगता है जो भी वहाँ पे जाकर ले सकते हैं। अब बात आती है थर्ड नंबर ऑप्शन की, थर्ड नंबर डिपार्टमेंट की, यानी कि माइनिंग एंड DMFT खनन विभाग की। तो यहाँ पर खनन विभाग की अगर जानकारी लेते हैं, खनन विभाग में सबसे पहले बात करते हैं अपने खनन के बारे में जाने। जब आप अपने खनन के बारे वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर अपना माइन लीज नंबर दर्ज करना है। अगर आप एक खनन का कार्य करते हैं या आपने अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा है माइन लीज के अंदर, तो आप यहाँ पर अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आता है अपने क्षेत्र की खनन के बारे में सूचना प्राप्त करें। ज़िले का चूज करना है, तो यहाँ पर मैं अपने ज़िले का चूज कर लिया हूँ। तो आप यहाँ जैसा कि देख सकते हैं कि टोटल आपको यहाँ पर दिखा देगा कि खानों की कुल संख्या कितनी है। और इसके बाद जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अलग अलग जो भी जिसके नाम से लीज है उसका आपका नाम मिल जाएगा, और उसका यहाँ पर पट्टा नंबर भी मिल जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर अलग अलग नाम आ सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इस पे अधिक जानकारी वाले बटन पर क्लिक करके पूरी की पूरी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ तक कि उसी लीज धारक का नाम, उसके कार्यालय का नाम और उसके कार्यालय का पता, उसकी जो भी पट्टे की समझौती तारीख, पट्टे के पंजीकरण की तिथि, यानी कि समस्त जानकारी आप यहाँ पर ले सकते हैं। और जो भी इसका पट्टे का GIS प्रतिनिधित्व है उसकी पूरी की पूरी आपको जानकारी मिलने वाली है इस ऐप के अंदर। काफ़ी अच्छी ऐप है। इसके बाद बैंक आते हैं और जानते हैं इसके थर्ड वाले ऑप्शन के बारे में, अपने DMFT के बारे में सूचना प्राप्त करें वाले ऑप्शन की। तो यहाँ पर जैसा कि आपको मैं बताया था, तो वही ये माइनिंग डिपार्टमेंट से संबंधित है पूरी की पूरी ये। तो यहाँ पर हम दोस्तों चूज करते हैं, वही सेम प्रोसेस यहाँ पर आपको करनी है। क्या कार्य चल रहा है, कार्य की प्रकृति क्या चल रही है, ज़िले का नाम, आप ब्लॉक का नाम और ग्राम पंचायत का नाम और गांव का नाम तक जान सकते हैं। और आप ये भी जान सकते हैं कि अनुमानित लागत रुपये कितनी की गई है, मंजूरी कब मिली है, परियोजना स्थिति क्या है, पूरी की पूरी जानकारी आपको इस ऐप के अंदर मिल जाएगी। अब हम थोड़ा ब्रेक आते हैं और जानते हैं चौथे वाले ऑप्शन की, यानी कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा एवं जाँच योजना के बारे में। दोस्तों वीडियो स्किप नहीं करना है, हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी बन जाए, लेकिन ये ऐप के बारे में अगर आप पूरी तरह जान लोगे तो आप अपना तो काम कर ही सकते हो। इस ऐप के माध्यम से अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हो और साथ ही साथ और अन्य किसी की मदद कर सकते हो इस ऐप के द्वारा। यहाँ पर मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा एवं जाँच योजना वाले सेक्शन में अगर हम आते हैं तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखने वाले हैं। आवश्यक दवा सूची वाले अगर ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं
तो यहाँ मैं आपका दवा की श्रेणी चूज कर लेते हैं। इसके बाद में अस्पताल का प्रकार पूछता है, आप ग्राम पंचायत गाँव में जो भी आपका मतलब आप जान सकते हैं कि कौन से हॉस्पिटल के अंदर कौन कौन सी दवा मिल सकती है। तो यहाँ पर हमारा जो गांव में है CSC अस्पताल है, तो यहाँ पर CSC पे क्लिक करके हम खोजते हैं। तो आपके सामने जो भी आवश्यक दवा सूची है वो आपके सामने शो हो जाएगी। हो सकता है इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि ये ऐप थोड़ी नई है, इसको अपडेट होने में टाइम लग सकता है। तो यहाँ पर पूरी की पूरी जो दवा की सूची आ चुकी है, ये थोड़ा सा मुश्किल होगा आपको और हमको समझने में क्योंकि ये थोड़ा सा मेडिकल से संबंधित है। हो सकता है आपके काम नहीं आए, किसी एक ऐसे व्यक्ति के काम आ जाए जो दवाई वगैरह के बारे में जानता हो। तो यहाँ पर पूरे की पूरी जानकारी ले सकते हैं आप दवा सख्त दवा की सूची के बारे में भी। इसके अंदर बात करते हैं निःशुल्क जाँच सूची के बारे में भी। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं, मैंने निःशुल्क दवा जाँच सूची पर क्लिक कर दिया है। इसके बाद आपको यहाँ पर अस्पताल का प्रकार चूज करना है, वैसे वही प्रकार आपको चूज करना है। यहाँ पर CSC चूज कर लेते हैं और ओके पर क्लिक कर देते हैं। ओके करने के बाद में आपको यहाँ पर जो भी जांच की सूची है वो पूरी की पूरी शो होने वाली है। आप पूरी की पूरी यहाँ पर दे सकते हैं कि CSC के अंदर कौन कौन सी जाँचें होती हैं। इसी प्रकार आप CSC के अलावा PSC मेडिकल कॉलेज, DWS डिस्पेंसरी आगे आदि के भी यहाँ पर देख सकते हैं कि इनके अंदर कौन कौन सी जाँच अवेलेबल होती है। ये काफ़ी अच्छी ऐप, मददगार ऐप है। इसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट ऑप्शन की अगर बात करते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी राशन फूड डिपार्टमेंट से संबंधित। तो यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन मिलने वाले हैं जो आपने किसी भी पोर्टल पर नहीं देखे होंगे। हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली राशन वाले सेक्शन में आ चुके हैं और बात करते हैं सबसे नंबर वन यानी सबसे ऊपर वाले ऑप्शन की, स्वयं के राशन कार्ड के बारे में सूचना प्राप्त करें। जब हम यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप राशन कार्ड नंबर से ही सर्च करो। यहाँ पर आप भामाशाह कार्ड संख्या से, राशन कार्ड या आधार कार्ड संख्या से भी सर्च कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर राशन कार्ड नंबर से सर्च करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक राशन कार्ड नंबर डाल दिए हैं। राशन कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पर खोजे बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने राशन कार्ड धारक का पूरा विवरण यहाँ पर शो हो जाएगा। राशन कार्ड संख्या, राशन कार्ड धारक का नाम, श्रेणी, NFS है या नहीं है, केस कनेक्शन है या नहीं है, उसका पूरा का पूरा पता आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ आपको उसके परिवार की भी पूरी डिटेल मिलने वाली है इस वाले सेक्शन में। और आप ये भी पता लगा सकते हैं कि आपका कौन से महीने में कितना गेहूँ आया है, यानी कि आपको राशन सामग्री मिली है और कौन उसको लेके आया है आपके परिवार में से। यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं 30 अगस्त 2019 यानी कि जो महीना लास्ट डेट गया है उसको मेन मुख्यालय ही लाराम ये लेके आया है, उसका पूरा का पूरा आप विवरण देख सकते हैं। यहाँ पर बिल संख्या, समस्त पूरी जानकारी आप देख सकते हैं। और ये काफ़ी अच्छी ऐप साबित होने वाली है आगामी दिनों के लिए। आप यहाँ पर उचित मूल्य की दुकान का संख्या भी देख सकते हैं, उचित मूल्य की दुकान के मालिक का नाम भी यहाँ पर काफ़ी आसानी से देख सकते हैं, उसकी दुकान का पता भी देख सकते हैं और उसके मोबाइल नंबर ही आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। और यहाँ पर आप सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं उसके स्टॉक में कितना माल बचा हुआ है, यानी कि उसकी राशन सामग्री बची हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं उसकी चीनी बची हुई है 39.5 किलो, और यहाँ पर उसके केरोसिन 1 लीटर बचा हुआ है स्टॉक में। और यहाँ पर अगर बात करते हैं गेहूँ स्टेट BPL या अंत्योदय BPL के, तो 40 किलो यहाँ पर BPL वाले गेहूँ बचे हुए हैं उसके स्टॉक में। और यहाँ पर अगर अन्य APL वगैरह की बात करते हैं तो यहाँ पर उसके 4260 किलो यहाँ पर गेहूँ बचे हुए हैं। तो पूरी की पूरी जानकारी मिलने वाली है आपको अपने डीलर के बारे में। इसके बाद हम ब्रेक आते हैं और जानते हैं सेकेंड वाले ऑप्शन के बारे में। तो स्वयं की राशन की दुकान के बारे में सूचना प्राप्त करें, यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं। और अगर आपके पास आपकी दुकान का कोड है तो आप पूरी पूरी जानकारी ले सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक कोड डाल देता हूँ, तो यहाँ पर जैसे ही मैं कोड डालता हूँ तो उसकी पूरी की पूरी जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है। थोड़ा सा समय लग सकता है क्योंकि ऐप नई है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर एक उचित मूल्य की दुकान की संख्या डाली थी अपने मन से, जैसा कि आप मैंने डाली हुई थी वो पूरी की पूरी जानकारी आ चुकी है यहाँ पर कि कहाँ का ये डीलर है। तो
उसका नाम, उसका एड्रेस सब यहाँ पर आ चुका है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप ये भी जान सकते हैं कि इसी उचित मूल्य की दुकान संख्या जो भी दुकान धारक है उसके पास कितने राशन कार्ड मैप है उसके डीलर कोड से, उसके स्टॉक में पूरी की पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है और आपको पता लग जाएगा कि क्या है। ऐसी यहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं है जो आपसे छुपाई जा रही है, पूरी की पूरी आपके सामने शो कर रहा है डिटेल। आप जैसे अपने डीलर का कोड डालोगे तो आप ये भी जान सकते हैं कि इस डीलर के पास कौन कौन राशन लेने आता है, पूरी की पूरी जानकारी मिलने वाली है। इसके बाद बैक आते हैं और जानते हैं थर्ड नंबर वाले ऑप्शन के बारे में। सबसे अच्छी, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़रूरी बात, यहाँ पर आप बिना इमित्र पे गए, बिना अपने इमित्र गेट स्टेटस पे गए, बिना टोकन नंबर, बिना फोरम नंबर के यहाँ पर जान सकते हैं कि NFSA के स्वीकृत लाभार्थियों की जानकारी। सबसे खास ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, अपने ज़िला का चयन करते हैं, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको क्षेत्र चुनना है, आप अर्बन में आते हैं या रूरल में आते हैं। तो यहाँ पर हम शहरी क्षेत्र चयन कर लेते हैं और अपना ब्लॉक नगर निकाय चूज कर लेते हैं और खोजे बटन पर क्लिक करते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले हम अगर वार्ड संख्या पे जाते हैं कि आप कौन से वार्ड में आते हैं, हमें हमारे वार्ड नंबर 6 की बात करते हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं इन बंदों ने फॉर्म भरा था और इनका फॉर्म अप्रूव हो चुका है और पूरी की पूरी जानकारी आप देख सकते हैं, उनका राशन कार्ड नंबर, नाम और पूरी जानकारी के लिए आप क्लिक कर सकते हैं अधिक जानकारी पे। यहाँ पर पूरी सेम विवरण आ चुका है, उसकी दुकान का मूल्य का विवरण ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, सेम टू सेम पूरी की पूरी जानकारी मिलने वाली है। काफ़ी अच्छी ऐप है। इसके बारे में बात करते हैं, यहाँ पर थोड़ा बेक आकर अपने क्षेत्र पंचायत वार्ड के राशन कार्ड के बारे में सूचना प्राप्त करें, यही वही सेम ऑप्शन है, आपको बता दिया है मैंने पहले ही। तो यहाँ पर आप जैसे ही चूज करोगे 200 और अगर अब की बार हम ग्रामीण वालों की बात करते हैं और थोड़ा सा भेंट ले रहे हैं क्योंकि ऐप नया है। और यहाँ पर जैसा कि देख सकते हो पूरी की पूरी श्रेणीवार राशन कार्ड धारकों की संख्या आ चुकी है कि आपकी ग्राम पंचायत में कितने राशन कार्ड है, पूरी की पूरी जानकारी दे सकते हैं ये। और आपको यहाँ पर ये भी बता देगा कि अंत्योदय के कितने राशन कार्ड हैं, APL वाले राशन कार्ड कितने हैं, BPL के राशन कार्ड कितने हैं। श्रेणीवार आपको यहाँ पर राशन कार्ड की लिस्ट शो करेगा, आपको यहाँ पर मिक्स नहीं देने वाला है कि आपको पूरी की पूरी लिस्ट दे दी है उसमें आपको ढूंढना पड़ रहा है, ऐसा नहीं है। आप यहाँ पर श्रेणीवार ढूंढ सकते हैं, BPL, APL, स्टेट BPL, अंत्योदय, जैसी आपकी मर्जी है उसके हिसाब से अपना राशन कार्ड ढूंढ सकते हैं। काफ़ी अच्छी ऐप है। इसके बाद में बैग आते हैं और जानते हैं नेक्स्ट वाले ऑप्शन के, अपनी दुकान, अपने क्षेत्र की राशन की दुकानों के बारे में सूचना प्राप्त करें। काफ़ी यहाँ जैसे ही हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर अपने ज़िले का चयन करते हैं और इसके बाद में यहाँ पर ब्लॉक और यहाँ पर वार्ड नंबर की वार्ड नंबर डालते हैं। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं वार्ड नंबर 6 में जो डीलर है वो कौन है उसकी पूरी की पूरी जानकारी यहाँ पर आ चुकी है। डीलर का यहाँ पर कोड आ चुका है, उसका नाम आ चुका है, उसका पता आ चुका है, उसके मोबाइल नंबर की पूरी पूरी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आप ये भी जान सकते हैं कि इस डीलर के पास कितने राशन कार्ड धारकों की संख्या है, इस पर भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि ऐप थोड़ी नई है, वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, पूरी की पूरी जानकारी काफ़ी अच्छी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरे के पूरे जो राशन कार्ड विवरण है पूरा का पूरा आ चुका है, काफ़ी राशन कार्ड हो गए यहाँ पर आ चुके हैं। ये सभी राशन कार्ड धारक इसी विनोद कुमार जांगेड़ यानी कि जो डीलर है इसी से ही अपनी राशन सामग्री प्राप्त करते हैं। इसके बाद में आप यहाँ पर जांच भी सकते हैं कि उचित मूल्य दुकान पर वर्तमान उपलब्ध स्टॉक एवं ट्रांजैक्शन का विवरण भी यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर उसने कुल लेनदेन कितना किया है, कुल राशन कार्ड धारकों को कितना आप यहाँ पर राशन सामग्री बांटी है, पूरी की पूरी यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं। अबाउट राशन शॉप एरिया वाइज के हिसाब से भी थोड़ा सा समय लग रहा है, आप देख सकते हैं चीनी यहाँ पर 7 किलो यहाँ पर स्टॉक में बची हुई है, केरोसिन 3 लीटर है, गेहूँ BPL तो देखें यहाँ पर 237 किलो यहाँ पर बचे हुए हैं, गेहूँ जो अन्य यानी APL वगैरह के हैं वो 1783 किलोग्राम यहाँ पर बचे हुए हैं। जो यहाँ पर कुल राशन कार्डधारक संख्या है इसकी 3151 है
और यहाँ पर कुल लेन देन इसने किया है 3278 का, और यहाँ पर महीने जो सितंबर माह है उसमें यहाँ पर शो नहीं कर रहा, क्योंकि अभी माह पूर्ण नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर पूर्ण तरीके से शो नहीं कर रहा। जब अगर 30 तारीख के बाद में ही यहाँ पर पूर्ण तरीके से शो करेगा करंट माह का। आप पिछले माह का देख सकते हैं, अगस्त में इसने कुल लेन देन 317 किए हैं, जबकि कुल राशन कार्ड धारक इसके 286 आए थे। इसी प्रकार आप मंथ वाइज भी देख सकते हैं, जुलाई, जून, मई, अप्रैल, मार्च। इसके बाद ब्रेक, थोड़ा ब्रेक आते हैं और जानते हैं पात्र राशन कार्ड धारकों की सूची, जिन्हें कभी राशन वितरित ही नहीं किया। मतलब ऐसे राशन कार्ड धारकों की यहाँ पर आप सूची मिल जाएगी कि जो कभी यहाँ पर राशन सामग्री लेने गए नहीं और उनका एन ए पैसे चालू है, वो भी यहाँ पर जान सकते हैं। राशन कार्ड धारकों का विवरण, जिन्हें कभी राशन नहीं दिया गया, यानी कि या तो लेने नहीं गए या फिर इनको दिया ही नहीं गया किसी भी कारणवश, मान सकते हो, यानी उनका फिंगर नहीं लगा हो, उनकी शेडिंग नहीं हो रही हो, किसी भी कारणवश आप मान सकते हो उनके इनका यहाँ पर राशन सामग्री नहीं मिली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो उनका नाम, उनका राशन कार्ड का संख्या और उनका नाम यहाँ पर देख सकते हो। इन लोगों को कभी राशन कार्ड सामग्री नहीं मिली है। इसके बाद में बात करते हैं, ऐसे लोगों की सूची बताओ जिन्हें बिना बायोमेट्रिक अंगूठा सत्यापन की सामग्री नहीं दी गई है। मतलब ऐसे लोग को भी यहाँ पर अलग से श्रेणीवार छाटा गया है कि जिन्हें बिना बायोमेट्रिक राशन सामग्री नहीं मिली है, यानी कि आप कह सकते हो कि उन्होंने अपना राशन कार्ड बाईपास करा रखा हो, या फिर उन्होंने ओटीपी के माध्यम से अपना राशन सामग्री ली गई हो। यहाँ पर उनकी भी यहाँ पर अलग से लिस्ट सूची दी गई है। तो यहाँ पर हमारे जो वार्ड नंबर 6 में यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं, हम थोड़ा ब्रेक आते हैं, एन ए पैसे के लंबित अस्वीकृत लाभार्थी की जानकारी। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, पूरी की पूरी ऐप की सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये फंक्शन दिया गया है। सबसे अच्छी बात है, आप बिना ई मित्र पर जाकर भी ये देख सकते हैं कि आपका फॉर्म जो आपने आवेदन किया था वो अप्रूव हुआ है या निरस्त कर दिया गया है या पेंडिंग में पड़ा है या इसको रिसेंट में डाल दिया गया है। रिसेंट में डाला है तो किस कारण से डाला है वो भी आप जान सकते हैं बिना ई मित्र पर गए। यहाँ पर अपने ज़िले का चयन करते हैं और दोस्त पर ओके करते हैं। इसके बाद में हम जानते हैं अपने ब्लॉक का यहाँ पर चयन करते हैं, यहाँ पर वार्ड नंबर चूज करते हैं, वार्ड नंबर 2 चूज कर लेते हैं। इसके बाद पूरी जानकारी लेते हैं। इसमें आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर जो लंबित एन ए पैसे राशन कार्ड विवरण है, यहाँ पर उसका आप टोकन नंबर देख सकते हैं। आपको यहाँ पर एक एक करके देखना होगा। यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर समावेशन के डॉक्यूमेंट अटैच करें, ऐसा टिप्पणी लिख के यहाँ पर फॉर्म को सेंड बैक कर दिया गया है लेवल 1 से। यहाँ पर वर्तमान स्थिति पेंडिंग पड़ी हुई है और टोकन नंबर, रसीद संख्या और राशन कार्ड संख्या भी आप देख सकते हैं मुखिया के नाम के साथ, और उसका पता भी आपको मिलने वाला है। और जो यहाँ पर अस्वीकृत राशन कार्ड विवरण भी आप देख सकते हो। थोड़ा ब्रेक आते हैं, दूसरे वार्ड की जानकारी लेते हैं और यहाँ पर खोजे पर क्लिक करते हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अस्वीकृत राशन कार्ड है वो जुड़े हैं, लंबित यहाँ पर नो पड़े हुए हैं। यहाँ पर पहले की बात करते हैं तो निरंजन गौतम यहाँ पर वही सेल बट्टे डॉक्यूमेंट अटैच करें, यहाँ पर टिप्पणी दे रखी है, पूरी की पूरी जानकारी ले सकते हैं आप बिना मित्र गए हुए हैं। इसके बाद में यहाँ पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न भी जोड़ दिए गए हैं, अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो यहाँ पर भी प्रश्न पढ़ के जवाब ले सकते हैं। मेरे गाँव की राशन कार्ड की दुकान एवं राशन कार्ड के धारक बताइए। अगर आपके गाँव की और राशन कार्ड के धारकों की लिस्ट जानना चाहते हैं, इस पर क्लिक करके वही सेम प्रोसेस है, आपको वहीं पे ज़िले का चयन करना है, ब्लॉक का चयन, ग्रामीण में है तो ग्रामीण पर क्लिक करके आपको ब्लॉक का चयन करना है, ग्राम पंचायत का चयन करना है, ग्राम पंचायत चयन करने के बाद खोजे पर क्लिक कर देना है। आपके सामने वही सेम प्रोसेस मैंने पहले बता चुका हूँ कि वही सेम प्रोसेस आने वाली है। यहाँ पर उचित मूल्य दुकान पर राशन कार्ड धारकों की संख्या पर क्लिक करके विवरण प्राप्त करने वाले बटन पर क्लिक कर सकते हैं, पूरी की पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। दूसरे वाले अगर प्रश्न की बात करते हैं, मेरे राशन कार्ड पर मैंने क्या क्या सामग्री ली है, तो यहाँ पर वो ही सेम आपको बता चुका हूँ मैं। आप यहाँ पर आधार कार्ड या भामाशाह कार्ड या राशन कार्ड नंबर डाल के पूरी की पूरी जानकारी ले सकते हैं कि आपको कितनी राशन सामग्री मिली है, कितना क्या माल मिला है आपको डीलर के द्वारा। इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, मेरे राशन कार्ड की दुकान पर ऐसे लोगों की सूची बताओ जिन्हें बिना बायोमेट्रिक अंगूठा सत्यापन की सामग्री दी गई है।
अगर कोई भी डीलर जानना चाहता है कि मैंने ऐसा कोई कि कोई व्यक्ति हो जिसे बिना सत्यापन किए यानी बिना अंगूठे के साम अपना राशन सामग्री दी है, आप मान सकते हो बाईपास राशन राशन कार्ड की दी हो या OTP के माध्यम से दिए हो, उसकी पूरी पूरी जानकारी आपको इस ऐप के अंदर मिलने वाली है। आप वही सेम प्रक्रिया अपनाइए, अपने जिले और ब्लॉक का चयन करने के बाद ग्राम पंचायत पर जाके ओके कीजिए और खोज कर दीजिए, आपके सामने वही सेम ऑप्शन आ जाएगा और आप यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे लोगों की सूची बताओ जिन्हें बिना बायोमेट्रिक सामग्री दी गई है। इसके बाद ब्रेक करते हैं और आते हैं सबसे लास्ट वाले क्वेश्चन के, ऐसे लोगों की सूची बताओ जिन्हें कभी राशन कार्ड वितरण नहीं किया गया राज्य किसी भी राशन कार्ड की दुकान से। वही सेम प्रक्रिया, वही सेम, आप कोई सा भी जो भी आप आते हैं जिस भी ग्राम पंचायत में जिस भी ब्लॉक में उसका चयन करके आप देख सकते हैं, पूरी की पूरी जानकारी आपको सिंपल तरीके से मिल जाएगी। ये आप इस वाले बटन पर क्लिक कर सकते हैं और जान सकते हैं 5 राशन कार्ड धारकों की सूची में राशन प्राप्त नहीं किया गया है। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें या अपने रिश्तेदारों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये अच्छी ऐप है और आजकल सबके पास एंड्रॉइड फ़ोन तो होंगे ही, तो आप ज़रूर से इस वीडियो को शेयर करें। पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से उनको मिलने वाली है और जो इस ऐप का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। लेकिन वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में और हमारा मनोबल बढ़ता रहता है आपके लाइक से। तो अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको वहाँ पर एक बेल आइकन दिख रही होगी, तो आपको वहाँ पर क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद आपको वीडियो को लाइक कर देना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी आशा के साथ फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।